अगर तुमने जाके गुजरा वक्त बदल दिया, इस दुनिया को मिटना होगा तो आने वाला कल भी बदल दोगे। सारी पावर्स ने तुम्हें दिया ही क्या है? तो दोस्तों, क्रिस 4 का इंतजार कर रहे सभी फैंस के लिए क्रिस 4 से जुड़ी हुई अब तक की सबसे जबरदस्त अपडेट सामने आ रही है। जैसे कि फिल्म की स्टोरी को लेकर, स्टार कास्ट को लेकर, विलेन को लेकर और फिल्म को बनने में इतना टाइम क्यों लग रहा है इस बात को लेकर। तो क्या कुछ खबरें हैं, सारी बातों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप भी हमारे इंडियन सुपर हीरो क्रिस के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और क्रिस के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, साल 2013 में क्रिस 3 आई थी, जहाँ ऋतिक रोशन और विवेक ओबराय को फिल्म में बहुत पसंद किया गया था और तब से ही हर कोई फैंस जानना चाहता था कि क्रिस 4 की स्टोरी में क्या होने वाला है और फिल्म कब तक आ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, फिल्म की स्टोरी का प्लॉट IMDb पर अपडेट हो चुका है और इस रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की स्टोरी टाइम ट्रेवल की होने वाली है, जहां क्रिस टाइम ट्रेवल करते हुए नजर आएगा और जहां वो सबसे शातिर विलन से दुनिया को बचाते हुए भी नजर आएगा। और IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, फिल्म की कास्ट भी अनाउंस हो चुकी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन के साथ नूरा फतेही, रेखा जी और ये फिल्म टाइम ट्रेवल पर रहने वाली है। इसलिए फिल्म में आपको प्रीति जिंटा, काल यानी कि विवेक ओबराय और नसरुद्दीन शाह, जो कि क्रिश में एक विलन के किरदार में नजर आए थे, वो भी नजर आने वाले हैं। यानी कि क्रिश 4 की कहानी भूत, भविष्य, वर्तमान को बदलने की होगी। हालांकि दोस्तों, कुछ टाइम पहले रूमर्स ये भी थे कि फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी या संजय दत्त भी विलन के किरदार में नजर आ सकते हैं। और दोस्तों, बात करके क्रिश 4 को बनने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, इवन 11 साल हो चुके हैं। तो आपको बता दूं, राकेश रोशन ने टीवी शो में कहा था कि क्रिश 4 क्रिश 3 से 4 टाइम लार्जर होने वाली है, यानी कि बहुत बड़े स्केल पर होगी, जिसके लिए हॉलीवुड के VFX आर्टिस्ट भी इस फिल्म पर काम कर रहे हैं। हर एक चीज पर बारीकी से काम हो रहा है, साथ ही कई सालों से फिल्म की स्टोरी पर काम चल रहा है, कई स्टोरीज लिखी गई, उनमें चेंजेस किए गए और अब फिल्म की स्टोरी फाइनल हो चुकी है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक वार 2 के बाद, यानी इस साल के एंड में, क्रिस 4 पर काम चालू होने वाला है। और खबरों की माने तो 2026 तक राकेश रोशन क्रिस 4 को फैंस के बीच लाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। और दोस्तों, टीजर ट्रेलर भी उसी बीच आएगा, यानी 2026 तक। तो ऐसे में दोस्तों, आप क्रिस के लिए कितना वेट कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मूवी से रिलेटेड ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए माय टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ।